सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो गाइज आज के वीडियो में मैं जो है विराट कोहली का फेस शेडिंग ट्यूटोरियल ले आया हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो मैं जो है शेडिंग करना शुरू कर दिया हूँ। तो आपको भी मैं बताते जाता हूँ, जो आई बॉल है, आई बॉल में मैंने जो यूज़ किया है वो यूज़ किया है मैंने 10B पेंसिल, जो कि है ब्रूस्टर का। आप कोई भी कंपनी का यूज़ कर सकते हो जो कि अच्छा होगा। और देख सकते हो यहाँ पर मैं जो है टोटल जो आई है, आई में मैंने यूज़ किया है 6B, 4B, 2B और 10B, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो, और हाईलाइट के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ मेकनो इरेजर जो है अप्सरा का, और यहाँ पर जो है ब्रूस्टर का जो है बेटर इरेजर नीडेड इरेजर, और जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो है हाईलाइट के लिए जेली रोल पेन, ठीक है। तो यहाँ पर जो है जो गाल है, गाल में मैं जो है लेयर वाइज कर रहा हूँ। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको लेयर वाइज शेडिंग करना है, पहले फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर, थर्ड लेयर, ठीक है। कुछ इस टाइप से आप लेयर वाइज शेडिंग करोगे तो बहुत ही अच्छा आपका, ठीक है। देख सकते हो यहाँ पर जो ड्राइंग है, यहाँ पर आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा फोटो में, फोटो को ऑब्जर्व करते हुए आपको ड्रॉ करते जाना है, जो शेडिंग आपको करना है, जो पेशेंस लेकर करना है शेडिंग को, मतलब बहुत ही ज़्यादा पेशेंस देना है आपको ड्राइंग में, मैंने जैसे दिया है। तो देख सकते हो सेम टेक्निक से इस साइड को भी करना पड़ेगा, गाल का जो इस साइड का जो आई है। जो नोज़ है, नोज़ को भी आपको सेम टेक्निक से करना है, ठीक है। यहाँ पर जो नोज़ है, मैं यहाँ पर फर्स्ट लेयर दिया, उसके बाद सेकेंड लेयर, थर्ड लेयर, मतलब लेयर वाइज आपको करते जाना है। और देख सकते हो यहाँ पर मैं शेड कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं जो है 7B पेंसिल, मतलब 7 या 6B आप यूज़ करो, यहाँ पर मैंने 7B पेंसिल और 10B पेंसिल यूज़ किया है नोज़ में। और जो हाईलाइट है, हाईलाइट के लिए मैं नीडेड इरेजर यूज़ किया हूँ। और जो डिटेल है फेस में, तो टेक्सचर जो है फेस का, उसको उसके लिए मैंने जो है पेंसिल और जो है ब्रूस्टर का बेटर इरेजर का यूज़ किया है, ठीक है। तो देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है नोज़ हमारा। नीचे जो है मैंने एक शेडो भी दे दिया है। तो वीडियो के लास्ट में मिलते हैं, एकदम एंड में आपके साथ मैं बात करता हूँ, और वीडियो को पूरा देखते रहो। आशा करता हूँ गाइस वीडियो अच्छा लगा होगा आपको। मतलब यहाँ पर जो है मैंने टाइम लेप्स कर दिया इस वीडियो को, मतलब थोड़ा प्रॉब्लम था, तो नेक्स्ट वीडियो टाइम लेप्स में नहीं आएगा, ठीक है। मतलब आएगा भी, थोड़ा थोड़ा टाइम लेप्स होगा बस, उस वीडियो में मैं बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको समझाऊँगा। तो देख सकते हो यहाँ पर मैं आशा करता हूँ आपको समझा पाया हूँ। तो वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक कर देना, कॉमेंट कर देना ड्राॅइंग कैसा हुआ है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।